अस्तित्विक गति और चरम परिणति। आज का आलोच्य विषय है अस्तित्विक गति और चरम परिणति। इस विश्व में हर एक सत्ता को मन कहकर एक वस्तु है। अजैवी सत्ता में भी यह मन है, पर वहां वह अस्फुटावस्था में रहता है। पर जैवी सत्ता में यह मन एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, और मनुष्य में तो यह मन अति मात्रा में प्रस्फुट है। वस्तुतः मनुष्य का अर्थ ही है मन प्रधान जीव। हम कह सकते हैं कि आस्तित्विक विचार से मनुष्य का अधिक भाग ही मन प्रधान है और अल्पांश ही है देह प्रधान। मन का एक प्रधान वैशिष्ट्य है कि वह सदा गतिशील है, कभी अस्थिर रह नहीं सकता। यहाँ तक कि यदि वह किसी एक बिंदु पर स्थिर रहता है, उस समय भी वह गतिशील सत्ता है। वह किसी न किसी दिशा में चलता ही रहता है। मन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसमें यह गतिशीलता होना अनिवार्य है। मनुमन के लिए यह गति किसी निर्दिष्ट दिशा की ओर है और एक निर्दिष्ट धारा पथ पकड़ कर चलती है। इस विश्व की हर एक सत्ता में यह गति एक निर्दिष्ट पथ पकड़ कर चलती है। यदि अधिकतर मानव शक्ति के द्वारा अन्य पथ की ओर संचालित न की जाए, पर अनुमानस के क्षेत्र में, विश्व मानव मन के क्षेत्र में यह गति स्वतंत्र है, क्योंकि मानव मन की कुछ विशेषताएं हैं। मान लो एक नदी है, वह स्वभावतः ही पहाड़ से समुद्र की ओर बहती चलती है, समुद्र से पहाड़ की ओर नहीं बहती है। पर मानव मन के क्षेत्र में गति पहाड़ से समुद्र की ओर हो सकती है और समुद्र से पहाड़ की ओर भी हो सकती है। यही मानव मन की विशेष विशेषता है। इस विश्व की अन्य सत्ताओं में जिस प्रकार की गति धर्मिता होती है, मनुष्य के क्षेत्र में उसका व्यतिक्रम नजर आता है। मनुष्य का मन सूक्ष्म से जड़ की ओर बढ़ता है, वैसे ही वह जड़ से सूक्ष्मत्व की ओर भी बढ़ता चलता है। यह जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर गति है, उसका पूर्ण अस्तित्व ही जड़त्व में परिणत हो जाएगा। और यदि गति को उल्टी दिशा में ले जाया जाए, अर्थात जड़ से सूक्ष्मत्व की ओर ले लिया जाए, सूक्ष्मत्व की ओर बढ़ा लिया जाए, तब मनुष्य का पूरा अस्तित्व ही भूमा मन या भूमा चिति शक्ति में रूपांतरित हो जाएगा। इस तरह यही मानव मन की विशिष्टता है। इसी कारण कहा गया है, मनो करोति कर्माणि मन लिप्यते पातके, मन एव मनुष्याना कारणम बंध मोक्षयो। मानव मन ही बंधन का कारण है और वही मन मुक्ति मोक्ष का कारण भी है। यदि मन की सूक्ष्माभिमुखी गति को बढ़ा दिया जाए और उसके साथ साथ मन अधिकतर द्रुति से आगे बढ़ता चले, तो दो बातें नजर आती हैं। या तो मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व ही भूमा मन में परिणत हो जाएगा। यह जो अनुमन का भूमा मन में रूपांतरण है, इसे ही कहते हैं सगुना स्थिति। और जीव के अहं बोध को यदि परम पुरुष के वेदी मूल पर समर्पित किया जाए, तो सामग्रिक अस्तित्व बोध ही भूमा चिति शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव सर्वज्ञ हो जाएगा। पहले ही बता चुका हूं कि मन के रहने पर ही उसकी गतिशीलता या चलमानता रहेगी ही, नहीं तो इस विश्व की किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यह जो चलमानता है, इसे ही कहते हैं वृत्ति। इस वृत्ति शब्द के लिए अंग्रेजी में प्रोपेंसिटी शब्द का व्यवहार किया जाता है, पर ये दोनों शब्द हूबहू एक ही अर्थ को प्रकट नहीं करते। जब यह वृत्ति या मानस प्रवणता या मानसिक चलमानता जड़ाभिमुखी होती है, तब उसे प्रवृत्ति कहते हैं, और जब वह सूक्ष्माभिमुखी होती है, तब उसे निवृत्ति कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने कहा था, प्रवृत्ति रेशा भूतानां स्थूला निवृत्ति अस्तु महाफला। इस जड़ाभिमुखी मानस प्रवणता को, इस जड़ की क्षुधा को यदि ठीक तौर पर परिचालित किया जाए, अर्थात यदि मन को जड़ की ओर से हटाकर सूक्ष्मत्व की ओर, अर्थात
भूमा सत्ता की ओर परिचालित किया जाए तो यह प्रवृत्ति निवृत्ति में रूपांतरित हो जाएगा। और आज जिस मनुष्य में धन दौलत नाम यश आदि जागतिक वस्तुओं के प्रति जो मोह है वह परम पुरुष के प्रति अनुरक्ति में रूपांतरित हो जाएगा। पर ये परम पुरुष जीव मन के चरम लक्ष्य हैं और जिनके मन में प्रवृत्ति की उत्ताल तरंगे उठी है उन्हें भी चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। उनके मन में जागतिक आकांक्षा को अवदमन के बदले उन्हें केवल उस जागतिक एशना को परम पुरुष की ओर परिचालित कर देने से ही काम चलेगा। इस कारण मनुष्य को किसी तरह से उद्विग्न होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है आगे बढ़ चलना ही मानव मन का धर्म है और चलने के रास्ते में चरम परिणति या चरम गंतव्य है परम पुरुष जो चिरंतर प्रेम सर्वानुस्यूत प्रेम के मूर्त प्रतीक है। वस्तुतः परम पुरुष से हम क्या चाहते हैं? जो सबसे अधिक प्रेम करे जो सबसे अधिक प्रेम के प्रतिफलन है वही है परम पुरुष। तुम्हारी गति प्रगति अग्रगति सब कुछ उन परम सत्ता को केंद्र में रखकर होती है। अर्थात जीव मन स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ चला है, जड़ से परम पुरुष की ओर हर जीव को ही इस चरम प्रगति की ओर चलने का जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व के हर मनुष्य को वही पथ दिखाओ, उन्हें बोलो हे मनुष्य पथ तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हें केवल आगे बढ़ चलना है। जिन्होंने भी मनुष्य का मन पाया है वही इस पथ पर चलने के अधिकारी हैं और इस चलने के अंतिम चरण में मनुष्य एक दिन परम पुरुष को पाएगा ही। जब परम पुरुष या भूमा चैतन्य तुम्हारे चरम तथा परम लक्ष्य हैं तब तुम्हें सफलता अनिवार्य तौर पर मिलेगी। कहा जा सकता है कि सफलता तुम्हारे पॉकेट में है, तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में है। इस चलने के पथ पर तुम्हारे सामने दो तरह के लक्ष्य हैं। पहले परम पुरुष तुम्हारे लक्ष्य हैं और तुम्हें उन्हें पाना ही होगा। जब तुमने उन्हें अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया है और तुम्हें उन्हें प्राप्त करना ही है, जब तुमने उन्हें एकमात्र लक्ष्य के रूप में मान लिया है तब तुम उन्हें अवश्य पाओगे ही। और भूमा लक्ष्य की ओर आगे चलने में तुम्हें आभ्यंतरीण और बहिरंगिक बंधन के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ चलना होगा। यह बाहर के बंधन अर्थात जो बाहर से तुम पर चाप दिया गया है उसे पाश कहते हैं। जो तुम्हारे परिवार के लोग प्रतिवेशी और बंधु बांधवों ने सिखाया है यह अष्टपाश है। लज्जा भय घृणा शंका कूल शील मान और जुगुप्सा इन अष्टपाशों के विरुद्ध तुम्हें संघर्ष करते ही रहना होगा। इनके अलावा है षडरिपु काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर्य। मनुष्य को इन अष्टपाश और षडरिपुओं के विरुद्ध संघर्ष करना ही होगा। मनुष्य को यह जो संघर्ष करना है वह या तो दाएं या बाएं हाथों से करना है। तब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य इस क्षेत्र में क्या करे? वे जाति धर्म गोष्ठी का विचार छोड़कर सारे विश्व की सेवा करेंगे और इस सेवा के पीछे केवल नव्य मानवता की भाव प्रवणता काम करती है। यह सारा विश्व मेरा है, यह सारा जीव जगत है, इसके सब लोग मेरे हैं, मुझे उन सब की सेवा करनी होगी, सहायता करनी होगी, मैं तो उनकी सेवा करने के लिए ही जन्मा हूँ। इस तरह से यदि तुम उस अभ्यंतरीण और बही प्रयुक्त पास के विरुद्ध संघर्ष करोगे और साथ विश्व की सेवा करते चलो तो तुम्हारा अस्तित्व सर्वांश में आनंदमय हो उठेगा। मनुष्य का अस्तित्व ही एक मानसिक धारा प्रवाह है और परम पुरुष का सानिध्य लाभ करना ही मनुष्य का ध्येय है। समस्त मानवों के अस्तित्विक धारा प्रवाह का चरम गंतव्य स्थल है परम पुरुष। यह मनुष्य को हर समय याद रखना चाहिए और भूमा लक्ष्य की ओर उसी अग्रगति में क्रम वर्धमान द्रुति रहना जरूरी है। चरै वेति आगे बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। बढ़ने के पथ में चरम तथा परम लक्ष्य है, परम चिति शक्ति है। मानव अस्तित्व का एक ही लक्ष्य है,
एक से अधिक नहीं, एक से अधिक हो ही नहीं सकता। शुभम अस्तु। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, कलकत्ता, आनंद पूर्णिमा धर्म महाचक्र, 9 जून 1986 ईस्वी।